Hello to you all. So welcome back to my YouTube channel. Myself Monica Yadav and I'm first year medical student at Emmanuel Kanpaltic Federal University, Russia. तो कैसे हैं आप सभी? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था कि अभी हमारा जो नेक्स्ट सीरीज आएगा वो कैंपस वीडियो के ऊपर होगा. So yes, I'm shooting the campus video. I'm so excited about it because I want to show you all कि कैसा लगता है हमारा campus, कैसा है हमारा university. और वैसे भी बहुत सारे बच्चों के ना comments भी आ रहे थे कि please campus दिखा दो. So here you go. आज से सारी campuses videos upload होने शुरू हो जाएंगी. और मौसम भाई इतना अच्छा हो रहा है ना, इतनी अच्छी वाली धूप निकल रही है. जब से हम लोग यहाँ पे आए थे एक अच्छी धूप देखने को तरस गए थे, बट फाइनली धूप इज हेयर. और अभी स्प्रिंग है, कितना सुंदर सुंदर लीव्स फ्लावर्स ये सारे चीज़ें आ रहे हैं. इतना अच्छा लग रहा है ना कि कैसा होता है ना कि एक पूरा सब कुछ मुरझा रखा था, सब सूख रखा था, एकदम पतझड़ हो रखा था. अब उसके बाद नई शुरुआत हो रही है, नए नए फूल फ्लावर्स पत्तियाँ सब आ रही है. तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग यू नो, थोड़ा एकदम अलग सा अच्छा सा फील होता है. सो यस, बिना ज़्यादा बात किए लेट मी शो यू कि हमारा कैंपस कैसा है. वन मोर थिंग कि हमारा जो मेडिकल का कैंपस है वो बन रहा है फिलहाल, जो कि मैं एंड में दिखाऊंगी आपको कि कैसा दिखता है वो, कैसा बनेगा. कंस्ट्रक्शन पर है तो मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं शूट कर लूँगी एंड आई विल एड द क्लिप्स एट द एंड. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल गेट ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड. तो दिस इज आवर बिल्डिंग, दिस इज कैंपस नंबर टू एंड हमारा एक कैंपस नंबर वन भी है, बट वो अभी कंस्ट्रक्शन में है तो हमने इसी को अपना मेन कैंपस मान रखा है. यहीं पर सारी चीज़ें होती है. सो ये सारा है पूरा कैंपस नंबर टू, जहाँ पर हमारी फिजिक्स की क्लास होती है, बाकी हमारे मेन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जितनी भी हेड ऑफिसर्स वगैरह हैं सब यहीं हैं. बहुत सारी चीज़ें C1 में भी होती है पर वो अभी हमें पता नहीं है बिकॉज वो खुला नहीं है. बट ये इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर है. यहाँ कहीं से दिखता है C2, मैं अभी ऊपर जाके C1 कैंपस आपको दिखाऊंगी. थोड़ा सा हल्का सा वो जो ब्राउन बिल्डिंग है, दैट इज़ ब्राउन बिल्डिंग, ये हमारा C1 है एंड ये हमारा C2 है. तो अभी वो बंद हो रखा है कंस्ट्रक्शन की वजह से, कुछ ना कुछ वहाँ पे काम चल रहा है, डोंट नो व्हाट, बट यस इट इज़ क्लोज्ड. एंड टुडे वी विल सी कैंपस नंबर टू, हाउ डज इट लुक्स लाइक, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ आवर मेन गेट. And that's the entrance. This is the reception. And here we have to show our face. Then only this gate will open. Here we have to show our face. Our name will be there, and then only this gate will open. और ये उन्हीं के face से gate खुलेगा जो यहाँ पे registered है. उसके बाद ये है हमारा वीज़ा ऑफिस, जहाँ पर वीज़ा से रिलेटेड सभी काम होते हैं. टाइमिंग एंड डेट्स वगैरह लिखी हुई है, कब कब कितने टाइम पे हम आके इनको विजिट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर. फिर यहाँ पे इन्होंने एक सुंदर सा पार्क बना रखा है जो यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं कहीं और से दिखाऊँगी. इट्स विजिबल. सो आज सैटरडे है तो मोस्टली ये एरिया पूरा खाली है बिकॉज सैटरडे को बहुत कम क्लासेस होती हैं और बहुत कम लोगों का वर्किंग होता है. दिस इज़ द एरिया वेयर वी कैन हैंग आवर जैकेट्स, बट येस इट्स सैटरडे सो इट्स क्लोज टुडे. आई विल शो अनदर प्लेस कि हम बाकी और कहाँ जैकेट हैंग कर सकते हैं. दिस इज़ आर कैफेटेरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखा है. हर एक कैंपस में हमारा कैफेटेरिया प्रेजेंट है, जहाँ पर हम अपना खाना वगैरह ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. बट अगेन इट्स सैटरडे सो इट्स क्लोज्ड नाउ. यहाँ से हम बाकी के फ्लोर्स पे जा सकते हैं, दैट आई विल शो यू लेटर ऑन. ये हमारे हैं वुदुशी इज दिस फ्यूचर इज हेयर बुफू इमैनुअल साहब. सो
सो दिस इज द एरिया, दिस इज द ऑफिस जहाँ पर हमारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की मैम वगैरह होती है. हमें कुछ भी काम होता है तो हम इनके पास आते हैं. दैट्स इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है. जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से की प्रॉब्लम होती है या कुछ भी इश्यूज होते हैं सब यहीं पर आते हैं. सारी चीज़ें सब कुछ यहीं होती है. नाउ यू कैन सी पार्क फ्रॉम हियर. इट्स रियली वेरी नाइस. क्रिसमस पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा रखा था इसे. नाउ लेट मी शो यू वन मोर इम्पॉर्टेंट प्लेस विच इज दिस द IT डिपार्टमेंट. यहाँ पर जो भी हमारे LMS साइट वगैरह इन सबसे चीज़ों से दिक्कत होती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ठीक कराते हैं. हमारा जो ID कार्ड वगैरह बन रखा है उससे रिलेटेड या फिर हमारे पासवर्ड लॉगिन किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो हम यहाँ पर आके अपना सब ठीक कराते हैं. बाकी इधर सारी हमारी क्लासेस हैं. हर जगह क्लासेस हैं. कहीं मैथ्स की क्लासेस हैं, कहीं कंप्यूटर की है, कहीं IT की है. ये है सारा हमारा कंप्यूटरिंग क्लास. कंप्यूटर क्लास है ये. इसके अंदर ऑब्वियसली ये क्लोज है. आई कैन नॉट गो इनटू इट बिकॉज जब क्लासेस वर्किंग नहीं होती तो वो बंद रहती है और जब क्लासेस वर्किंग होती हैं तो वहाँ पे टीचर्स होते हैं. सो लेट मी शो यू सम अनदर पार्ट. इट्स एंड हेयर. वेट, लेट्स गो टू द सेकेंड फ्लोर. सेकेंड फ्लोर पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं. लेट मी शो यू. दिस इज द सेकेंड फ्लोर. अगेन हर जगह क्लासेस हैं और ये हमारी लाइब्रेरी है. आई विल शो यू कि हमारी लाइब्रेरी कैसी है, क्या है, सारी चीज़ें. ये सैटरडे है, आज बंद है तो मैंने पहले ही लाइब्रेरी का वीडियो ले लिया था. आई विल अटैच. सो दिस इज आवर लाइब्रेरी. ये हमारे C2 कैंपस की लाइब्रेरी है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. हर जगह यहाँ पर हमें फोटोकॉपी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है विच वी कैन डू इट हेयर. एंड हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है जहाँ पर हम अपनी ई-बुक्स पढ़ सकते हैं. सब स्टूडेंट का अपना पर्सनल ID पासवर्ड होता है. देन फिर बुक्स आर देयर. यहाँ पर जनरली रशियन लैंग्वेज के बुक्स है. जो इंग्लिश लैंग्वेज के बुक है वो मोस्टली दूसरी लाइब्रेरी में मिलती है, दूसरे कैंपस में मिलती है. आई विल शो यू दैट टू. एंड दिस इज ओवरऑल हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पर हमारे पास प्लेइंग के ऑप्शंस भी हैं, गेम्स के ऑप्शंस भी हैं. वी कैन प्ले हियर, वी कैन सिट, वी कैन रिलैक्स, वी कैन स्टडी एंड ऑल. एंड दिस इज डिजाइन सो ब्यूटीफुल. लाइब्रेरी के बाद ये हमारा दूसरा एरिया है जहाँ पर हमारी क्लासेस वगैरह चल रही है. कुछ कुछ क्लासेस आज चल रही है सैटरडे होने के बाद भी. यू कैन सी I cannot show you all because the classes are going on. Obviously the teacher will scold me. So wait. So this is the whole area. ये हमारा sitting place है where we can sit, wait for our classes and all. And this is the area where we can hang our jackets. It's all. Yes. तो जहाँ वो हमारा close था आज के दिन तो हम अपने jackets वगैरह यहाँ hang करते हैं. और वैसे भी अभी स्प्रिंग आ गया है तो इतना कोई जैकेट लोग पहनते नहीं हैं. छोटी पतली जैकेट ही पहनते बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है अभी ही फ़िलहाल. ये एक बड़ा सा ग्लोब लगा रखा है इन्होंने विच इज़ रियली वेरी नाइस. यहाँ पे सारा रशियन में लिखा है. एवरीथिंग इज़ इन रशियन बट इट्स नाइस. हाँ, इट्स वेरी हैवी. आई कैन मूव इट. इट इज़ कैंपस नंबर 1 विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये. यहाँ से अच्छे से दिख नहीं रहा बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड. आई होप जल्दी से कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए और हम वहाँ जा सके बिकॉज इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल. आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू क्लिक फोटोज, मैनी थिंग्स. सो हियर इट इज. सो यस, दिस इज ऑल. यहाँ पर 4 फ्लोर्स है और हर जगह किसी न किसी चीज़ की क्लासेस चल रही हैं विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अच्छे से अपने लैब वगैरह सब मेंटेन कर रखा है. लिफ्ट हमें प्रोवाइड हो रखी है. एंड दैट द सेकेंड फ्लोर ओनली. ये हमारी एक और क्लास है विच आई कैन शो यू. सी,
सारी फैसिलिटीज़ होती हैं क्लासेस में। लाइब्रेरी के अंदर सारे कंप्यूटर्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं, हमारी लॉगिन ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ है, जिससे हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपनी ई बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटीज़ आर देयर विच इज़ प्रोवाइडेड। दीज आर दी सिटिंग एरियाज, ऐसे छोटे छोटे सिटिंग एरियाज प्रोवाइड कर रखे हैं, जहाँ पर हम आराम से अपना बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, सारी चीज़ें। क्लास के बाद हम रिलैक्स कर सकते हैं, इवन क्लासेस के बीच में गैप हो तो वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर। एंड यस, सी एवरीथिंग इज ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन, दे आर सेइंग दैट बाय 2025 इट विल बी कम्प्लीटेड। सो लेट्स सी व्हेन इट विल बी कम्प्लीटेड एंड हाउ विल इट लुक लाइक, कैसा होगा, क्या 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 चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये, क्या क्या नई चीज़ें होंगी, एवरीथिंग एंड ऑल। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिस विल बी द न्यू कैंपस फॉर अस। फिर हमें इधर उधर नहीं जाना होगा क्लासेस के लिए, हमारी सारी क्लासेस यही होंगी, चाहे कोई से भी क्लासेस हो। सो वी आर वेटिंग फॉर इट टू कंस्ट्रक्ट सो सून, सो दैट हम यहाँ पर जल्दी से पढ़ाई कर सके और हमें नहीं जाना पड़ेगा इधर उधर। थोड़ा शुरू में थोड़ा मैं इशू हो जाता है, लाइक इट्स लाइक वेरी टफ टू मैनेज एट द स्टार्टिंग, बट येस बाय द टाइम इट लाइक वी आर यूज टू इट। सो सब इसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कैंपस का कंस्ट्रक्शन हो जाए हमारा। आई विल शो यू फ्रॉम द बैक साइड एज वेल कि कैसा है ये, क्या दिखता है। ऑल दो जब ये कैंपस बनेगा तो इसका भी अलग से ब्लॉग बनेगा, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट कि जल्दी से बन जाए। वैसे कह रहे हैं कि 2025 तक इट विल बी कम्प्लीटेड, सो लेट्स सी कितना होता है, कैसे होता है। वैसे लोग काम तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी। हम लोग जब आए थे तो ये बस बनना शुरू हुआ था, और नाउ वी कैन सी फ्लोर्स हेयर, और एक साथ बहुत सारी बिल्डिंग बन रही है। ये 2400 घंटे काम करते रहते हैं भाई। और ये हमारे कैंपस के बाहर एक चर्च है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। किसी दिन मैं इसका भी ब्लॉग बनाऊँगी जब जाऊँगी तो। वैसे मैंने लोगों से सुना है इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बट हाँ इसके पास का गार्डन बहुत सुंदर है। सो हेयर इट इज़, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आई होप माई वॉइस इज क्लियर ड्यू टू दिस ट्रैक्टर। सी आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस कैंपस टूर। एंड हमारी क्लासेस हर जगह अलग अलग होती है, तो समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू शो यू ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर, कि मैं एक साथ सभी क्लासेस नहीं दिखा सकती। ऑब्वियसली अलग अलग वीडियोस में अलग अलग क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स की क्लास होती है तो प्रोबेबली मैं वही चीज़ें ज़्यादा दिखा पाऊँगी। अब जैसे मेरी एनाटॉमी की क्लास कहीं और होती है तो वहाँ का जब कैंपस आएगा तो वहाँ पे एनाटॉमी के बारे में ज़्यादा होएगा, हिस्ट्रो के बारे में ज़्यादा होएगा। सो ऐसे ही चीज़ें मैनेज होती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वेट फॉर द अनदर कैंपस, क्योंकि आप सारे कैंपस की सीरीज ही चलेंगी, सो दैट यू विल गेट टू नो कि कैसी है, क्या है सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना, बाय।